अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आज हम बनाएंगे हरे मसाले में अंडे का सालन। ये कोकनी रेसिपी है। ये मेरे पास 6 बॉईल अंडे हैं और 2 हमने इसमें सादे लिए, इसको हम तोड़कर डालेंगे। और ये मेरे पास ड्राई कोकोनट है, इसको मैंने भून कर ली हूँ। ये हाफ बाटी से कम है। और ये प्याज है, इसको भी मैंने भून के ली हूँ। हाफ प्याज ली हूँ, उसमें से भी मैंने इसको आधा ली हूँ, हाफ का 1/4। और 1/4 हम लेंगे इसको फ्राई करने के लिए। एक मुट्ठी हमने हरा धनिया लिए है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ है, और 4 से 5 हमने इसमें ग्रीन चिली लिए, क्योंकि इसमें हम चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए ग्रीन चिली हम इसमें ज़्यादा ले रहे हैं। और 2 इंच का हम अदरक का पीस लेंगे। और ये आधी गड्डी हमने लहसुन के लिए, ये सारा मसाला हम पीस लेंगे। एक छोटा टमाटर लेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आप अखा भी ले सकते हैं पीसने में। और 1/2 टीस्पून हम हल्दी लेंगे, 1 टीस्पून फुल भर के हम इसमें धनिया पाउडर लेंगे, नमक टेस्ट के हिसाब से, और ये आधी प्याज हम फ्राई करने के लिए। और इसमें से ऑयल लेंगे, आप ऑयल और घी दोनों भी ले सकते हैं। अभी हम शुरू करेंगे। हमने गैस पर ये बर्तन चढ़ा दिए, अभी इसमें ऑयल डालेंगे। ये प्याज को डालेंगे, अब इसमें हम मसाला पिसा हुआ वो डालेंगे। और साथ ही नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, ये सारी चीज़ें भी इसमें ऐड करेंगे। टमाटर इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे मसाले को। ये मसाला हमने अच्छी तरह भून लिए, अब इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। और इसको उबाल आने तक इसको हम पकाएंगे, फिर इसमें अंडे को हम डालेंगे। ये आप देख सकते हैं इसमें जोश आ गया अच्छी तरह से। अब इसमें हम अंडे डालेंगे, बॉईल किए हुए जो अंडे हैं इसको एक एक करके इसमें डालेंगे। और इसमें हल्का हम कट लगाएंगे ताकि अंदर तक इसका मसाला चला जाए। अभी इसको हम पकने देंगे। इसमें ये अच्छी तरह से जोश आ चुका है। अब इसमें ये अंडे को हम तोड़कर डालेंगे इस तरह से। और ये दूसरा वाला भी हम इस तरफ डालेंगे इसको, और इसको पकने देंगे। ये हो गया रेडी, बहुत जल्दी पक जाता है ये। आप देख सकते हैं ये दोनों भी जो हमने अंडे डाले ये अच्छी तरह पक चुके हैं। आप अगर इसमें ग्रेवी और रखना चाहते हैं तो ग्रेवी और रख सकते हैं। अभी हम गैस ऑफ करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। ये हो गया रेडी हरे मसाले में बना हुआ अंडे का सालन। ये कोकनी रेसिपी बहुत ही अच्छी है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप इसमें चाहिए तो इसमें और सालन भी रख सकते हैं और इसको चावल रोटी के साथ खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।